हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज सबको अनुकर रसोई में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं फिर से एक नई रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नई रेसिपी के साथ हम। तो आप सबके लिए ये पालक की रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं ये पालक में और क्या स्पेशल हमने ऐड किया है कि बहुत ही टेस्टी होने वाली ये सब्ज़ी। तो पालक हमने धोकर अच्छे से छनने के लिए छन्नी में रख दिए हैं और हमने ले लिए सामान। तो बैंगन रहा, प्याज रहा, मटर रहा और ये हरी मिर्च और लहसुन। जो पालक बैंगन नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी होने वाली है। जो नहीं खाते वो बार बार खाना पसंद करेंगे। तो हमने बारीक कट लिए हैं पालक और इसमें डाल दिया हमने बैंगन कट कर करें और इसको हम अच्छे से इसमें डालेंगे अपने नमक। नमक दोस्तों हम स्वाद अनुसार से थोड़े से कम डालेंगे और इसमें हल्के से पानी डालेंगे क्योंकि कोई कोई पालक ऐसी होती है ज़्यादा पानी नहीं छोड़ने के कारण हमारी पालक जल जाती है। तो हमें बैंगन भी पकाने इसमें। तो हमने ढक के इसके 5 से 6 मिनट तक हम ढक दिए हैं। देख सकते हैं आप कि हमारे बैंगन और पालक दोनों ही गल के अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो हम इसको छन्नी में छन के निकाल लेंगे अच्छे से कि जितने भी पानी है अच्छे से निकल जाए इसमें से। तब तक हम बैठाएंगे कढ़ाई, वही अब फिर से इसमें डालेंगे सरसों तेल और हरी मिर्च चटका लेंगे बढ़िया से। तभी इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को भी अच्छे से आधा ही भूनेंगे दोस्तों, ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे क्योंकि बताऊंगी आपको आधा भूनने के बाद हम क्या ऐड करेंगे। हमारा प्याज हल्का ही भुना हुआ था। तभी अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन हमने कूट के डाले हैं दोस्तों। आप चाहें तो बारीक कट कर लें, आपको जैसे अच्छे लगे, पर कूट के बहुत ही टेस्टी अच्छे लगते हैं तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्याज को हमने देख सकते हैं बहुत अच्छे से भून रहे हैं। अब हमारा प्याज भून गए हैं, तब इसमें ऐड करते हैं टमाटर। टमाटर भी हमने बारीक कटी है और इसमें डाले हैं मटर। मटर डालने के बाद ही तुरंत हम हल्के से नमक डालेंगे कि हमारे मटर और टमाटर अच्छे से गल जाए और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको हमने ढक दिया है दोस्तों और ये रहा हमारा पालक बन। पानी अच्छे से निचोड़ रहे हैं इसका और हमारे मटर पक नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे मटर थोड़े सख्त हैं। तो हमने इसमें हल्के से पानी ऐड किया मटर पकने के लिए दोस्तों। अगर मटर आपके अच्छे होंगे, मतलब ताज़ी होंगी बहुत ही अच्छे, तो वो तो फट से पक जाते हैं। पर अब मटर के सीज़न जा रहे हैं तो सख्त मटर आ रहे हैं, तो हमने हल्के से पानी डालने पर इसको पकाने के लिए और हमारे मटर अब जाकर फाइनली पक चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और ये रहा हमारा बैंगन और पालक। जो लोग कहते हैं ना हमें पालक बिल्कुल पसंद नहीं और हमें बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको तो ये ज़रूर खिलाना आप। उनको बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा कि हाँ ये पालक और बैंगन के भी रेसिपी ऐसे हो सकते हैं टेस्टी। चलिए अच्छे से हमने इसको मिला लिया है, अच्छे से भून लेंगे इसको। 2 से 3 मिनट भून लेंगे, ज़्यादा हमें भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बन के ये रेडी हो चुकी है। तो करते हैं प्लेटिंग इसकी। ये रहा गर्मा गर्म आपके लिए स्पेशल सब्जी। जी हाँ, और जो नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल होने वाली है ये सब्जी। तो दोस्तों फटाफट आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।